खबर हरिद्वार से है, जहां नवरात्रि के पहले दिन बिल्केश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सुनार कोची पर स्थित पहाड़ी पर मां चामुंडा की पूजा अर्चना करने जा रहे श्रद्धालुओं को पार्क प्रशासन ने रोक दिया। पार्क प्रशासन ने कहा कि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं मां चामुंडा देवी मंदिर मुक्ति आलोंदन समिति ने कहा कि पार्क अनुमति देने के लिए पत्राचार नहीं कर रहा है। वहीं श्रद्धालु सुनील कुमार ने कहा कि वे नवरात्र में मां चामुंडा देवी की पूजा अर्चना करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्क प्रशासन हर बार की तरह उन्हें रोक देता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये धार्मिकता है विभाग के, हमारे पास आदेश है, सब कुछ है। बड़े अधिकारियों ने वहाँ चामुंडा देवी पे कुछ मूर्तियां देखी है और यहाँ जिस जगह आप हमारे से बयान ले रहे हैं, इस जगह तो ये हमारा कार्यालय था, यहाँ भी इन्होंने जबरदस्ती जो है तोड़फोड़ करी, जबकि 80 से ज्यादा चिट्ठियां यहाँ रखी हैं और विभाग के द्वारा लिखा भी गया कि भाई क्या नाम अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्थान समिति जो है उच्च न्यायालय जाएगी तो मैं विचार करूंगा। यहाँ हमारा कार्यालय था और वहाँ मंदिर था, मंदिर भी वो पुरानी का उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग 1998 कुंभ गोरखपुर था कुंभ नागर की, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है उस मंदिर के लिए। ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है महाराज शांतनु द्वारा स्थापित और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं वहाँ जाने का और वन विभाग ऐसे जब उन्होंने रोक देता है हमें, जबकि हमारे पास लिखा हुआ भी है, इनके बड़े अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक के द्वारा वहाँ कुछ मूर्तियां भी देखी गई जिसमें उन्होंने संस्तुति किया गया, वहाँ भी इनको जो है पूजा अर्चना की और भंडारा लगाने की यहाँ पे अनुमति दी जा सकती है।